जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए वीके नहीं है, मेरे लिए वीके वेरी काइंड वीके हैं और ऐसे बहुत कम डिज़ाइनर्स हैं जो इनसाइड एंड आउट दोनों बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश आते हैं सबके साथ एंड ही इज़ अमेजिंग, माय फेवरेट डिज़ाइनर फॉर एवर। एंड जो इनका चेहरा हमने देखा है इनके म्यूज़िक वीडियो में, वो एक अलग चेहरा मुझे नज़र आया क्योंकि मैंने वीके को कभी इतने बोल्ड अवतार में नहीं देखा है। अलॉन्ग विद हिज जर्नी, जो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से शोकेस किया है, द सॉन्ग, द प्रेजेंटेशन, जो एक बॉन्डिंग केमिस्ट्री वीके एंड आपके बीच में जो नज़र आई है वो बहुत बहुत कमाल की है। और मुझे लगता है मैं कोई नई बात नहीं कह रही क्योंकि वीके की जो केमिस्ट्री है, जिनके लिए भी वो कुछ बनाते हैं, चाहे गाना हो, कपड़े हो, बॉन्डिंग हो, वो हमेशा सीमलेस रहता है। सीमलेस मतलब जो जिसमें कोई भी बम्प्स नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज स्मूथ। कंग्रेचुलेशंस। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी बनास की मॉडल रह चुकी हूँ। मैं 2019 से लेके अभी तक मेरा जर्नी यहीं पे हुआ है बनास में। मुझे बनास ने ही बनाया है मुंबई में। आज मैं जितने भी मेरा लक्ष्मी वस्त्र करके चेहरा तक जो आया है, ये सब बनास में बनाया। और आज का इवेंट तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि इसमें फिर सब बनास सीजन 7 था, प्लस हमारा कैलेंडर का भी था, म्यूज़िक वीडियो भी था, तो मज़ा आ गया। बट ये सीजन 7 बहुत ही अमेजिंग और एकदम ग्रैंड हुआ और साथ में हमारा चेहरा भी आया, तो मज़ा आ गया। वेरी वेल ऑर्गेनाइज शो, बहुत ही अच्छा क्राउड, बहुत तरीके से हर चीज़। वीके जो भी करते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करते हैं एंड आई रियली लव हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस एंड ये हर एक से कनेक्ट करके चलते हैं, है ना। मैं जितना मैं एक एंकर हूँ, मैं ना पूरे टाइम मैं ही बोलती हूँ, आप बोलो अभी। अरे ठीक है थैंक यू। It was fantastic. I think all the contestants itne confident the, they gave their best. Some of them were nervous and I could see that they have faced the stage for the first time. But it was such a delight to be associated with Panache for the first time. I'm hoping to be associated with them coming future as well. Vishal has done a wonderful job being in Panache and handling the entire the show very well. So I totally love the show. I love every contestant. I'm happy that we have decided जिनको जीतना था वही contestant आज जीत चुके हैं इस competition में। और हमने विशाल का music video भी देखा जो उनके company के ऊपर था, how Panache started, that was the beauty about the entire music video। उनकी जो journey थी वो दिख रही थी and obviously I didn't expect him to be so good in his emotions as an actor, so that also he performed really well. So overall I think being a part of the show and the music video, the calendar launch, felicitating the past winners, overall it was such a great package to be a part of the show. Thank you so much. You know, it was a great experience. I loved the fact that you know, it was short, concise, but also the flow of the show was really nice. One thing going into another, and it was packaged really well.
कैलेंडर के शॉट्स भी थे, यू नो दे वर आल्सो फेलिसिटेटेड एंड देयर वर सो मेनी अवार्ड्स एंड I see that the whole team was circulating, they were doing multiple things, so there were past winners who were, you know, part of the judging panel, as well as the calendar shots, and the music video was lovely as well. Weekend I have done a web series together, so I know he's great in front of the camera, and he's such a good looking man in any case, so it's nice to know someone multi-talented, and there's so much you know, passion and art in the whole show. And I think the contestants were really, really sweet. They're very endearing. Some of them were a little nervous. But overall, they were so endearing and so sweet and honest. And I think the show was really good. It was a good experience. And Rohit was good company as well for me. So I got to know him as well. So that was nice. Done? Thank you. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू वीके. वीके मेरे लिए वीके नहीं बल्कि वेरी काइंड वीके हैं. एंड ही इज़ अ ट्रिमेंडस डिज़ाइनर, ही इज़ मैचलेस, और ऊपर से उन्होंने सरप्राइज कर दिया है अपने गाने के साथ. उनका एक अलग चेहरा हमने देखा है उनके गाने में, उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है व्हेन ही इज़ स्केचिंग ऑल द डिज़ाइंस. एंड पेयर अप इनके साथ है उनका, तो शी इज़ ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल. एंड इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो भी वीके ने डिज़ाइन किया है, मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो भी वीके ने डिज़ाइन किया है. सो आई एम रियली सरप्राइज्ड. ये जो मैंने ग्लिम्प्स देखी उनके वीडियो की, बहुत अमेजिंग. द म्यूज़िक इज़ ब्रिलियंट. वीके ने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें, बिकॉज मुझे अभी तक लगता था कि वो बहुत शाय हैं, लेकिन ही हैज़ कम आउट टू बी प्रीटी बोल्ड. या एंड आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम, पनाश एंड द म्यूज़िकल स्टोरी लाइन जो उसमें बताई गई है, जिसने भी उसे सोचा उसके बारे में, आई थिंक वीके ने ही सोचा है पूरा. डायरेक्टर हैट्स ऑफ टू यू, वीके हैट्स ऑफ टू यू. एंड आपका ऐसा चेहरा हम और भी देखते रहना चाहेंगे आगे भी आने वाले वक्त में. सो जस्ट कीप रॉकिंग एंड स्टे मैचलेस एज ऑलवेज. जैसा आप हर साल देखते आ रहे हैं कि पिछले साल भी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की थी, इस बार भी ये सेवेंथ सीजन रहा है हमारा, तो हमने इसमें एक ट्रांसजेंडर की भी कैटेगरी बढ़ाई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है. काफ़ी कंटेस्टेंट्स हमारे टैलेंटेड है, उन्होंने अपनी सारी टैलेंट्स प्रतिभा चीज़ें अच्छे से दिखाई और निभाई है. सो वी आर विशिंग देम अ वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर. अमेजिंग इवेंट, वीके इज़ अमेजिंग. जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए वीके नहीं है, मेरे लिए वीके वेरी काइंड वीके हैं, और ऐसे बहुत कम डिज़ाइनर्स हैं जो इनसाइड एंड आउट दोनों बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश आते हैं सबके साथ. एंड ही इज़ अमेजिंग, माय फेवरेट डिज़ाइनर फॉर एवर. एंड जो इनका चेहरा हमने देखा है इनके म्यूज़िक वीडियो में, वो एक अलग चेहरा मुझे नज़र आया, क्योंकि मैंने वीके को कभी इतने बोल्ड अवतार में नहीं देखा है. अलॉन्ग विद हिज जर्नी, जो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से शोकेस किया है, द सॉन्ग, द प्रेजेंटेशन, जो एक बॉन्डिंग केमिस्ट्री वीके एंड आपके बीच में जो नज़र आई है, वो बहुत बहुत कमाल की है. और मुझे लगता है मैं कोई नई बात नहीं कह रही, क्योंकि वीके की जो केमिस्ट्री है, जिनके लिए भी वो कुछ बनाते हैं, चाहे गाना हो, कपड़े हो, बॉन्डिंग हो, वो हमेशा सीमलेस रहता है. सीमलेस मतलब जो जिसमें कोई भी बम्प्स नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज स्मूथ. कंग्रेचुलेशन. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में, काफ़ी सक्सेसफुल है? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पनास की मॉडल रह चुकी हूँ. मैं 2019 से लेके अभी तक मेरा जर्नी यहीं पे हुआ है. पनाश ने मुझे, पनाश ने ही बनाया है मुंबई में. आज मैं जितने भी मेरा लक्ष्मी वस्त्र करके चेहरा तक जो आया है, ये सब पनाश ने बनाया. और आज का इवेंट तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि इसमें फिर सब पनाश सीजन 7 था, प्लस हमारा कैलेंडर का भी था, म्यूज़िक वीडियो भी था, तो मज़ा आ गया. बट ये सीजन 7 बहुत ही अमेजिंग और एकदम ग्रैंड हुआ, और साथ में हमारा चेहरा भी आया, तो मज़ा आ गया. वेरी वेल ऑर्गेनाइज शो, बहुत ही अच्छा क्राउड, बहुत तरीके से हर चीज़. वीके जो भी करते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, एंड आई रियली लव हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, एंड ये हर एक से कनेक्ट करके चलते हैं, है ना?
मैं जितना मैं कैंकर हूँ मैं ना पूरे टाइम मैं ही बोलती हूँ क्या बोलो अभी अरे एवरीवन आज मिस्टर मिस मिसेस फेस ऑफ पनाश 7th सीजन हुआ है. हर साल की तरह इस साल का सीजन भी सुपर डुपर हिट हुआ है बिकॉज ऑफ विशाल सर ग्रेट मैनेजमेंट एंड सभी कंटेस्टेंट बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे. यहाँ पे कोई भी कंटेस्टेंट को साइज या फिर एज का बैरियर नहीं था, तो हर किसी ने पार्टिसिपेट किया है और कंटेस्टेंट को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से हमें आ रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. एंड मैं एज अ पनाश रनवे की नेशनल हेड आप सबको थैंक यू बोलती हूँ फॉर ट्रस्टिंग ऑन पनाश. आज ही आज के दिन ही पनाश रनवे पे डिपेंड जो चेहरा नाम का एल्बम रिलीज हुआ है उसमें मैंने एक अपीयरेंस किया है, एक छोटा सा रोल किया है एज अ नेशनल हेड, जो कि मैं हूँ. रियल लाइफ में भी मैं पनाश की नेशनल हेड हूँ, तो मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि जो मैं रियल लाइफ में हूँ वही रोल मैंने ऑन स्क्रीन प्ले किया है. एंड आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा. शूट के दरमियान बहुत ही अच्छा हमें एंजॉय किया एंड थैंक्स टू विशाल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले दी वेरी ब्यूटिफुल रोल ऑफ रेवा. थैंक यू सो मच. थैंक यू हेलो गुड इवनिंग. मेरा नाम जोया थॉमस लोबो है. मैं प्रोफेशन से इंडिया की फर्स्ट ट्रांस फोटो जर्नलिस्ट हूँ और पनाश से आज ये क्राउन ये अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एक ये बेंचमार्क है मेरे उन कम्युनिटी के लोगों के लिए जिन्हें हमेशा सोसाइटी में एक मार्जिनाइज्ड या अनटचेबल माना गया है. बट आने वाले फ्यूचर में मैं अपने आप को वो बेंचमार्क बनाना चाहूँगी जहाँ पे मेरे कम्युनिटी को भी एक डायमंड के तरह ट्रीट किया जाए. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ केतुल पटेल, आई एम फ्रॉम USA बट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. एंड मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे पनाश में एंड आई एम अ फैशन मॉडल ऑफ पनाश एंड कमर्शियल मॉडल. आई एम बैंकर एंड आई एम अ बिजनेसमैन इन US. सो पनाश जिसकी जर्नी मेरी जो चालू हुई मॉडल की जो पनाश से ही चालू हुई थी, मैं सीजन 6 का रनर अप था. आज मैं एज अ जज आया हूँ. सो जर्नी मेरी पनाश से चालू हुई थी तो पनाश तो मतलब जो भी है पनाश इज़ वन ऑफ द रीज़न. विशाल कपूर मिस्टर विशाल कपूर सर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर माई लाइक ब्यूटिफुल जर्नी. हेलो मेरा नाम अंकित महंत है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है एंड मैं मिस फेस ऑफ पनाश हूँ एंड मैं नेशनल विनर हूँ. नेशनल विनर हूँ मैं आज. तो वीके सर के साथ मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था. मैं चाहता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, वीके सर के साथ काम करूँ. तो आज ही मुझे मौका मिला यहाँ पे वीके सर के साथ काम करने का. मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की एंड हम वीके सर को बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम आज यहाँ के विनर हैं. थैंक यू सो मच. एंड मुझे ये अवार्ड मिला है मिसेस यूनिक एंड एंटरप्राइजिंग का. थैंक्स अ लॉट फॉर पनाश रनवे एंड माय पनाश फैमिली एंड विशाल कपूर सर एंड स्वाति मैम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे खुद को प्रूव करने के लिए. थैंक्स अ लॉट पनाश फैमिली, थैंक्स अ लॉट विशाल सर एंड थैंक्स अ लॉट स्वाति मैम. थैंक यू. मेरा नाम शाहिद है. एज अ इंटरनेशनल विनर आज मैं विन हुआ हूँ. सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट रहा वो वीके सर का रहा, विशाल कपूर सर का. और उसके बाद हमारे जो पनाश रनवे के नेशनल हेड जो है स्वाति लंके मैम, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब पता नहीं चल रहा खुशी किस तरह से इजहार करूं. सो मैं अपने मम्मी पापा का भी शुक्रगुजार हूं, साथ में मेरे जो भी सभी दोस्त जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस फील्ड में आगे आने के लिए. मुझे सभी ने जितना भी सपोर्ट किया उन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. एक और चीज़ कहना चाहूँगा, विशाल सर को मैंने मेंटर माना है और मानता रहूँगा और आगे मैं पनाश रनवे को बहुत ही आगे ले जाऊँगा. थैंक यू सो मच. चेहरा वीडियो बहुत काफ़ी अच्छा था. उसमें मेरा छोटा सा रोल है एज अ फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर का. म्यूज़िक वीडियो देखा नहीं था अब तक. म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बहुत अच्छा लगा. और एज यूजुअल
काफ़ी अच्छा था. थैंक यू पनाश, थैंक यू विकी सर फॉर. हाँ Hi, myself is Leena Pawar Patil. I'm the winner for Real Women. This is a dream come true that I have been a part of Panache Runway and I won this award. Special thanks to Swati ma'am and Vicky sir. Thank you so much. Thank you so much. सो मेरा नाम शैला पंडित है और मुझे फर्स्ट रनर अप का टाइटल दिया गया है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वी के सर, स्वाति मैम एंड पनाश रन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. फ्रेंड सर, क्या कुछ कहने लगे आज का फैशन रनवे काफ़ी ही अच्छा रहा, सुपर रहा, तो क्या कुछ कहने लगे उसके लिए? एज़ यूजल पनाश का शो हर बार जो परफेक्ट रहता है, इस बार सीज़न 7 थी मिस एंड मिसेस पनाश रनवे और सेम इज़ पिछले 7 साल से हम एसोसिएटेड एज अ क्राउन पार्टनर्स. इस बार भी हम लोग ऐसे थे. इस बार उन्होंने एक अलग से कैटेगरी ऐड की हुई थी ट्रांसजेंडर की, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वन और काफ़ी मज़ा आया सारा शो देख. थैंक यू. मुझे सेकेंड का अवार्ड मिला है पनाश में. आई एम वेरी हैप्पी कि विशाल सर ने मुझे इसके लिए चुना है. सो थैंक यू. Hi, good evening. I'm Vaishali and my journey in Panache from a GMA model to face of Panache, Miss Vibrant, the first runner-up, has been a very eventful one and successful one. The last 3 days of RAM training under Vishal Kapoor sir, Deandra Soos, Rajiv Khandelwal, Swati Lemke, this has been, and again Subodh Chand, choreographer, this has been really, really something like a learning experience for me. It has well groomed me and now I'm right in front of you with this crown and all the awards, and I'm feeling really good about it for this successful journey and I'm extremely thankful to Vishal Kapoor sir for this. Thank you so much. So hello, my name is Arvia Chatterjee. I have got the award for the category Mr. Bronze. It's really a surprise yet so pleasurable for me. Like, this is my first contest and I am winning a subcategory trophy for that of Mr. Bronze, and everybody was so impressed with my answer. I am really looking forward to work more to participate in such events in a larger scale every time I come to Mumbai. Thank you. Okay? Done? Done. Hi, I am Anita Sharma and I am winner of Mrs. India. I am winner. What is it called? I am winner of Mrs. International Panache Face Season 7. I am so glad that I am here today. All thanks to Vishal sir and Panache team, Swati Lanke, for having me here. Thank you so much. हाय, माय नेम इज़ शाहिद. मेरा नाम शाहिद है और आज मुझे वीके सर ने, विशाल कपूर सर ने जो सपोर्ट किया अभी तक मेरी जर्नी में, उस सपोर्ट की बदौलत मैं आज इंटरनेशनल विनर हुआ हूँ पनाश रनवे का. एज अ पनाश रनवे ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनने का मौका दिया विशाल कपूर सर ने और आगे भी मैं पनाश रनवे के साथ जुड़ा रहूँगा. और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ विशाल कपूर सर का, इसलिए क्योंकि मैंने उनको मेंटर माना और उन्होंने एज अ मेंटर मुझे हमेशा सपोर्ट किया. उनके नेचर की वजह से मैं पनाश रनवे के साथ जुड़ा हूँ, जुड़ा था, जुड़ा रहूँगा. वन मोर थिंग कि जो पनाश रनवे के नेशनल हेड है स्वाति लेंके मैम, उन्होंने भी हमेशा से मुझे सपोर्ट किया. जो भी बैकअप टीम है, कोरियोग्राफी टीम है पनाश रनवे की, उन सभी ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है. सभी लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं. थैंक यू सो मच. मैं अपने माँ बाप को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच मम्मी पापा. थैंक यू. Myself Tejaswini Surya and I am the winner here as a persona diva. ये मेरा साल का first है और पनाश के साथ मेरा third venture है. इसके पहले मैंने glam में किया था. I am the calendar model also international and now this is experience बहुत अच्छा है पनाश के साथ. सर पर्सनली हर चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हैं, ग्रूमिंग अच्छे से रहता है, हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ें बहुत अच्छे से और हाई लेवल प्रोवाइड करते हैं. स्वाति लक्ष्मी भी बहुत अच्छे से नेशनल हेड का रोल प्ले करती है. ट्रेनिंग्स आर रियली ऑसम. मेरे सारे मॉडल, सारे सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू